साइबर सिस्टम एक कंपनी है जो कि लाहौर में मौजूद है और काफी नॉन है लाहौर में ये, तो बहुत सी फीमेल्स मौजूद थी। मैंने उनसे भी पर्सनल बात की और उनसे इन्वायरमेंट के बारे में पूछा, तो कि इनकी जो एज अ फीमेल आपको ट्रांसपोर्ट भी दी जाती है, जॉब की तलाश में है और जॉब अच्छी जॉब करना चाहते हैं, तो सैलरी भी अच्छी मिले और उनका एक्सपीरियंस भी अच्छा काउंट हो और उनका वो फ्यूचर में सारी चीजें उनके काम में आए। कौन कौन सी पोस्ट पे जॉब्स अवेलेबल होती हैं, तो वो होती है इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ पूरा शेयर करूंगी। अच्छा, इनके कॉल सेंटर की अगर बात कर ली जाए, मेडिकल बिलिंग में इजीली अप्लाई कर सकते हैं, यानी इंटरव्यू में बेसिकली वो आपसे यही पूछते हैं इंटरव्यू। गाइस, ये इस तरह से होता है, यानी आप अगर सीवी लेके चले जाते हैं, इंटरव्यू की जो टाइमिंग है वो आपसे एक फॉर्म होगा, वो फिल करवाएंगे फॉर्म। अच्छा गाइस, अब बात कर लेते हैं सैलरी की, ठीक है। अब बात आती है मेरे अपने एक्सपीरियंस की। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज भी मैं आपके साथ इन्फॉर्मेटिव वीडियो एक लेकर आई हूँ। थंबनेल से आपको आइडिया हो गया होगा कि आज की भी वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। गाइस, आज की वीडियो तो वाकई बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि मैंने बहुत सारे डिफरेंट कॉल सेंटर्स पे भी वीडियो बनाई, मेडिकल बिलिंग पे भी से रिलेटेड जो कंपनीज थी उस पर भी वीडियो बनाई। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी में जहाँ पे मेडिकल बिलिंग और कॉल सेंटर दोनों ही मौजूद हैं, ठीक है। और ऐसी अच्छी कंपनी है जिसका नाम है साइबर सिस्टम। इस पे हम जो है ये साइबर सिस्टम पे पूरे हम डिटेल में बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे कौन कौन सी पोस्ट की जॉब्स अवेलेबल हैं और कैसे हायरिंग होती है, क्या इंटरव्यू में पूछा जाता है, लोकेशन क्या है, सैलरी पैकेज क्या है और क्या बेनिफिट्स हैं यहाँ पर अगर आप जाके जॉब करते हैं। तो ये बहुत ज्यादा वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। तो चले गाइस, टाइम को वेस्ट किए बगैर आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो को जल्दी से हम कर देते हैं स्टार्ट। अच्छा गाइस, साइबर सिस्टम एक कंपनी है जो कि लाहौर में मौजूद है, ठीक है। और ये आईटी की फील्ड से ही रिलेटेड यहाँ पे कंपनी है जो कि लाहौर में है और बहुत अच्छे इसके अगर हम इसके बात कर लीजिए रेटिंग की, तो अच्छी रेटिंग है और काफी नॉन है लाहौर में। ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ कि जिनको नहीं पता कि कुछ होते हैं जो आउट ऑफ सिटी से लोग आते हैं और उनको नहीं पता होता कि वो लाहौर में आए और कहाँ पे वो ज्वाइनिंग दें, कौन सी अच्छी कंपनीज हैं। तो मेरा बेसिकली मकसद यही है वीडियो बनाने का कि उन सारे व्यूअर्स की काफी हेल्प हो सके जो जॉब की तलाश में है और जॉब अच्छी जॉब करना चाहते हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि जो जॉब तलाश करना चाह रहे हैं, जो फ्रेशर्स हैं, जो अभी ग्रेजुएट हुए हैं, तो वो किसी अच्छी ऐसी कंपनी में जाएं जहां पे उनको काम करने का मजा भी आए और इनका एक्सपीरियंस भी अच्छा काउंट हो। मजा करने से मकसद ये है कि उनको सैलरी भी अच्छी मिले और उनका एक्सपीरियंस भी अच्छा काउंट हो और उनका वो फ्यूचर में सारी चीजें उनके काम में आए। अच्छा गाइज, इसकी लोकेशन की अगर हम बात कर लें तो ये पाई जाती है, इसकी लोकेशन है फेन रोड लाहौर में, मजंग चुंगी वाली साइड पर, ठीक है। वैसे मैं लोकेशन इसकी यहाँ पे लिख भी देती हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। और अगर आप गूगल पे भी टाइप करेंगे लोकेशन, साइबर सिस्टम की लोकेशन, तो फौरन इजीली आ जाएगी, तो कोई मुश्किल नहीं है उसको फाइंड आउट करना। अच्छा गाइज, अब अगर हम बात कर लें कि इस कंपनी में कौन कौन सी पोस्ट पे जॉब्स अवेलेबल होती हैं, तो वो होती है सेल मैनेजर इनकी और सेल मैनेजर, मार्केटिंग की, मेडिकल बिलिंग और कॉल सेंटर्स, ठीक है। जो कि हो सकता है कि और भी हों, लेकिन जो मेरे नॉलेज में है या जहां मैंने अप्लाई किया, मैंने बेसिकली अप्लाई गाइस किया था कॉल सेंटर के लिए और मेडिकल बिलिंग के लिए। तो मेडिकल बिलिंग और कॉल सेंटर दोनों इस अदारे में मौजूद हैं, तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है कि लाइक आप अप्लाई कर सकते हैं मेडिकल बिलिंग के लिए भी और कॉल सेंटर के लिए भी। इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ पूरा शेयर करूंगी कि मैंने कैसे अप्लाई किया, ठीक है, और कैसे इंटरव्यू मेरा हुआ, तो सारी बातें हम इस पर स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो गाइस, ये तो थी पोस्ट की, इन पोस्ट पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इनके कॉल सेंटर की अगर बात कर ली जाए, तो कॉल सेंटर में यही है कि इंटरनेशनल लेवल पर है, यानी यूएस यूके को ये डील करते हैं और इनका इसीलिए पैकेज इंटरनेशनल है, तो इंटरनेशनल की वजह से पैकेज भी अच्छा होता है। तो सैलरी पैकेज पे भी हम बात करेंगे। अब मेडिकल बिलिंग की अगर बात कर लें, तो मेडिकल बिलिंग में जब पोस्ट अवेलेबल होती है तो यहाँ पे भी हायरिंग होती है। फ्रेशर्स के लिए भी ईजी है, अगर फ्रेशर हैं बिल्कुल, यानी जिन्होंने अभी नया नया ग्रेजुएशन की है, वो भी मेडिकल बिलिंग में इजीली अप्लाई कर सकते हैं, यानी उनका पहले मेडिकल बिलिंग में एक्सपीरियंस नहीं है, वो फर्स्ट टाइम इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं शिफ्ट्स की। तो मेडिकल बिलिंग की जो शिफ्ट्स है, जो फ्रेशर्स के लिए होती है, वो बेसिकली इनकी मॉर्निंग में होती है, ठीक है। नाइट में भी इनके जाती हैं शिफ्ट्स होती हैं, लेकिन ज्यादातर जो फ्रेशर्स के लिए होती है वो मॉर्निंग में होती है। और अगर हम कॉल सेंटर की बात कर ली जाए, तो कॉल सेंटर की जो शिफ्ट्स होती हैं वो इनकी इवनिंग में होती हैं और नाइट वाली होती हैं, ज्यादातर नाइट वाली होती हैं। जब मैंने अप्लाई किया था तो इन्होंने मुझे नाइट का ही
बताया था कि नाइट की शिफ्ट्स अवेलेबल हैं, तो आप यहाँ पर हायरिंग कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हायरिंग प्रोसेस क्या है, इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, इस पर हम बात कर लेते हैं। इंटरव्यू में बेसिकली वो आपसे यही पूछते हैं, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आप ये कॉल सेंटर क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन, और कॉल सेंटर से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं, मेडिकल बिलिंग से रिलेटेड जितने क्वेश्चन ड्यूरिंग इंटरव्यू पूछे जाते हैं, इन सब पे मैंने वीडियो बनाई हुई है और मेरे चैनल पर मौजूद है। आप काइंडली जाइए, वहाँ विजिट कीजिए, आपको काफी अच्छी हेल्पफुल वीडियो लगेंगी और आपकी काफी अच्छी हेल्प हो जाएगी वहाँ से। ये इस तरह से होता है, यानी आप अगर सीवी लेके चले जाते हैं उनके पास, वॉक इन इंटरव्यू भी होते हैं और वैकेंसीज भी अवेलेबल होती है, इनका इंस्टा पे पेज भी मौजूद है, आप वहां से भी आपको गाइडलाइन मिल सकते हैं, लाइक लिंक्डइन हो गया, इंडीड हो गया, यहाँ पे भी आप अपनी अप्लाई करें तो जब वैकेंसी अवेलेबल होती है तो आपको वो बुला लेते हैं, कॉल कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा गाइज, इतनी ज़्यादा गर्मी है, इन्फॉर्मेशन दे दे के मुझे प्यास लग गई, मेरा गला खुश्क हो गया, तो मैं आप पानी पी के आपको बकाया जात बताती हूँ, बाकी इन्फॉर्मेशन देती हूँ। अगर आप वॉक इन इंटरव्यू की हम अगर बात करते हैं तो उसमें यही होता है कि आपने अपनी सीवी लेके जानी है, अपना शनाख्ती कार्ड लेकर जाना है। ठीक है, आप वहाँ पर जाएंगे, इंटरव्यू की जो टाइमिंग है वो गाइज आपने जहन में रखनी है, 7 से 10 बजे तक की टाइमिंग है। ठीक है, 7 बजे से 10 बजे तक की टाइमिंग है इंटरव्यू के लिए। ठीक है जी, तो ये तो इंटरव्यू की टाइमिंग हो गई। अब आप वहाँ जाएंगे, आपने वहाँ पे अपना सीवी देनी है, वो आपसे एक फॉर्म होगा, वो फिल करवाएंगे। फॉर्म में बेसिकली वो इसी तरह के क्वेश्चन पूछते हैं कि आप कहाँ से हैं, और दूसरा ये कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, कितने ग्रेड्स थे, और आपका एक्सपीरियंस क्या था, अगर एक्सपीरियंस है किसी कंपनी में या किसी अदारे में, जो भी एक्सपीरियंस है वो सारा फॉर्म होता है, एक वो आपने फिल करना होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट बताना होता है, क्योंकि वो आपसे वो फॉर्म से में जो आपने मेंशन किया होता है ना, उससे रिलेटेड भी वो आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, जब आप वो फॉर्म फिल कर लेते हैं, देन वो आपको वेटिंग रूम में बिठा देते हैं और फिर थोड़ी देर बाद आपको कहते हैं कि आप अपना इंटरव्यू आ जाएं, आपका इंटरव्यू लिया जाता है। फिर इंटरव्यू आपका इंटरव्यू होता है वहां के एचआर टीम के साथ, वहां इंटरव्यू जब आपसे लेते हैं तो वो इसी तरह के क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन होते हैं, वो आपसे पूछते हैं जो मैंने आपको बताए, और उस पर वीडियोज भी बनी हुई है, वही हर जगह मेडिकल बिलिंग और कॉल सेंटर्स में रिपीट होते हैं, तो आप अगर उनको प्रीपे कर लेंगे तो आपकी ज्वाइनिंग पक्की है। ठीक है जी, तो ये एक प्रोसेस होता है पूरा वहां पर इंटरव्यू देने का। और अब अगर हम बात कर लें शिफ्ट्स की, तो मैंने आपको बताया कि कॉल सेंटर की जो शिफ्ट्स होती हैं वो नाइट की होती है, मेडिकल बिलिंग की वेरी करती है, डे में भी होती है और नाइट में भी होती है। ठीक है जी। अच्छा गाइस, अब बात कर लेते हैं सैलरी की। ठीक है जी, तो सैलरी का ये होता है कि इनकी जो इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स की जो कैंपेंस होती है, इनका सैलरी पैकेज बहुत अच्छा होता है, यानी 50, 60, 70,000 तक जाता है, और इनके सैटरडे संडे ऑफ होता है, 9 आवर्स की ड्यूटी होती है और 1 घंटा ब्रेक, यानी 8 घंटे आपने काम करना है और 1 घंटा की आपकी ब्रेक होती है, तो ये नाइट का इनका सीन होता है, नाइट शिफ्ट्स का सीन होता है। और अगर हम अदर फैसिलिटीज़ की बात कर ले जाएं, तो जो हमें फैसिलिटीज़ बताई गई थी वो यही था कि इनकी जो एज अ फीमेल आपको ट्रांसपोर्ट भी दी जाती है, और वो ट्रांसपोर्ट के कोई चार्जेस नहीं होते, आपको ट्रांसपोर्ट दी जाती है, क्योंकि नाइट शिफ्ट्स होती हैं इंटरनेशनल की, तो वो आपको घर से लेगे और घर पे ही छोड़ेंगे, तो ये इनका एक बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट था जो कि मुझे अच्छा भी लगा। एज अ फीमेल ये बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अगर नाइट शिफ्ट्स होती हैं तो मोस्टली फीमेल्स इसीलिए नहीं जा सकती क्योंकि उनके आने जाने का इशू होता है, तो इसमें यही है कि अगर कंपनी आपको ट्रांसपोर्ट दे रही है तो और क्या चाहिए आपको, तो ये एक प्लस पॉइंट है। अब बात आती है मेरे अपने एक्सपीरियंस की, वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। ऐसा था कि मैंने अप्लाई किया यहाँ पर मेडिकल बिलिंग के लिए भी और कॉल सेंटर के लिए भी। ठीक है, अब मैं देने चली गई इंटरव्यू, और मैंने वॉक इन इंटरव्यू ही दिया था। अब मैं जब इंटरव्यू देने के लिए गई तो वहां पे वो, जैसे मैंने आपको बताया कि एक फॉर्म होता है वो आपसे फिल करवाते हैं, तो वो मैंने सारा फॉर्म फिल किया, अच्छे से उसको पढ़ा और उसको सही से फिल किया, क्योंकि मैंने वो नोट किया कि मैं इसलिए आपको बार बार कह रही हूँ कि आपने अच्छे से फिल करना है, जो जो आपका एक्सपीरियंस है एग्जैक्ट वही लिखना है, क्योंकि वो आपसे फॉर्म पे जो आपने लिखा होता है उससे रिलेटेड भी ड्यूरिंग इंटरव्यू क्वेश्चन कर सकते हैं। एनीवेज, तो फिर मैंने उस पर फॉर्म फिल कर लिया और फिर उन्होंने फॉर्म हमारा सबमिट कर दिया, मेरा फॉर्म सबमिट हो गया। फिर कुछ देर के लिए उन्होंने मुझे वेटिंग रूम में भेज दिया, वेटिंग रूम में मैंने वेट किया, और थोड़ी देर के बाद फिर एचआर टीम के साथ मेरा इंटरव्यू कंडक्ट किया गया। टीम थी वहाँ पे और उन्होंने मेरे से क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन यही पूछे जो मैंने बहुत ऑलरेडी वीडियोज बना चुकी हूँ, वही क्वेश्चन हुए, मेडिकल बिलिंग वालों से रिलेटेड भी क्वेश्चन हुए और कॉल सेंटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन हुए, क्योंकि मैंने दोनों के लिए अप्लाई किया था। अब उन्होंने फिर मुझे बताया कि यहाँ पे उस टाइम पे, यानी कुछ मंथ्स पहले की बात है, उन्होंने मुझे बताया कि इस टाइम मेडिकल बिलिंग जो है वो फ्रेशर्स के लिए अवेलेबल है, क्योंकि फ्रेशर्स मींस उसमें ये होता है कि उनकी सीट्स थी, लेकिन वो बिल्कुल जो फ्रेशर ग्रेजुएट
ग्रेजुएट होते हैं और उन जिनका एक्सपीरियंस नहीं होता, तो उसमें सैलरी पैकेज भी कम होता है। और यानी अभी स्टार्ट होता है ना, तो वो पैकेज उनका स्टार्ट होता है 34 से 36 से, इस तरह से पैकेज उनका स्टार्ट होता है, जो कि बिल्कुल फ्रेशर होते हैं इन मेडिकल बिलिंग। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कॉल सेंटर के लिए ही इनसे बात करूँ। फिर उन्होंने, खैर, मेरा कॉल सेंटर से रिलेटेड इंटरव्यू लिया। कॉल सेंटर से रिलेटेड जब उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, तो वही क्वेश्चन पूछा जो मैंने प्रीवियस वीडियोज इस पर बनाई हुई है। मैंने काफ़ी अच्छे से कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू दिया और उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, आपकी जो है ना हायरिंग हो गई है नाइट शिफ्ट के लिए, और वो इंटरनेशनल थी। ठीक है जी, अब इंटरनेशनल थी और उन्होंने सैलरी पैकेज में मुझे बताया कि वो ही 50-60 के अराउंड स्टार्ट था, इंसेंटिव अलग से था, और 50-60,000 से स्टार्ट था और इंसेंटिव अलग से था। सैटरडे संडे ऑफ है और जो है नाइट का आपकी शिफ्ट है, तो ये सीन था। अच्छा जी, तो मैंने फिर, मुझे मेरा इंटरव्यू अल्लाह का शुक्र है क्लियर हो गया। जब इंटरव्यू क्लियर होता है तो वो आपको कॉल करते हैं और आपको बताते हैं कि आप आगे ज्वाइनिंग देते हैं। तो अब आपकी मर्जी है कि आपने जाके कैसे उसको, अगर तो आप नाइट शिफ्ट कर सकते हैं कॉल सेंटर्स के लिए, तो वो मैं कहती हूँ कि अच्छा एक अदारा है, या अगर पार्ट टाइम भी अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो नाइट शिफ्ट्स अवेलेबल होती हैं, आप वहाँ पे जाके नाइट शिफ्ट में अपनी जॉब ड्यूटी दे सकते हैं। तो ये बेनिफिट है, यानी अगर कोई मॉर्निंग में कोई जॉब कर रहा है और पार्ट टाइम कोई जॉब करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो गाइस, ये मेरा एक्सपीरियंस था। इजी है, कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल रॉकेट साइंस नहीं है। आपके अंदर खुद कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप वहाँ पे जाके अच्छे से अगर अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, और जब आप वहाँ जाके अच्छे से इंटरव्यू देते हैं, तो वो आपको हायर कर लेते हैं। तो हायरिंग प्रोसेस को इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट इनका नहीं है। ठीक है जी, तो बाकी अगर हम बात करें कि जैसे जैसे एक्सपीरियंस अगर बाकी लोगों का, जैसे मेडिकल बिलिंग में भी होता है, सेल मैनेजिंग में भी होता है, या मार्केटिंग में भी होता है, सेल मैनेजर या मार्केटिंग में भी जिनका एक्सपीरियंस होता है, तो फिर उस हिसाब से तनख्वाह भी, यानी सैलरी जो होती है, उसमें इजाफा होता है। तो ये था गाइज मेरा अपना एक्सपीरियंस। मैंने जाके वहाँ पे खुद भी इंटरव्यू दिया है, मुझे वहाँ का एनवायरनमेंट भी अच्छा लगा है। एक मुझे वहाँ पे जब मैं इंटरव्यू देने के लिए गई थी, तो बहुत सी फीमेल्स मौजूद थी, मैंने उनसे भी पर्सनल बात की और उनसे एनवायरनमेंट के बारे में पूछा। तो किसी का एक्सपीरियंस था 3 साल का, किसी का 2 साल का, किसी का 4 साल का, और कही थी कि बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हमारा यहाँ पे टाइम स्पेंड हो जाता है, अच्छी हम यहाँ पे अपनी जॉब कर रहे हैं। तो ये मुझे जब उनके मैंने रिव्यू सुने, तो मैंने कहा क्यों ना ये अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं अपने गाइस के साथ शेयर करूं, अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूं, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। गाइस, अगर हम बात कर लें एजुकेशन की, तो इसके लिए एजुकेशन ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। ठीक है, और अगर आप इंटरनेशनल के लिए अप्लाई करते हैं कॉल सेंटर में, तो आपकी इंग्लिश का भी अच्छा होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो वो आपकी उसका सैलरी पैकेज उस तरह से होता है। अगर आपकी इंग्लिश नॉर्मल है, तो आपको वो चैट सपोर्ट दे सकते हैं। ठीक है, जिसमें जस्ट आपने टाइप करना होता है और थ्रू मैसेज या मेल्स के थ्रू आपने बाहर के जो कस्टमर होते हैं उनके साथ डील करना होता है, तो वो फिर पैकेज भी उस हिसाब से आपका वेरी करता है। एजुकेशन जो है ना आपकी, कम से कम ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। गाइस, होपफुली ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है, तो इसको जल्दी से कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। तो चलिए गाइस, मिलूंगी आपको और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।